चलो भाई, अब हम इसमें इस पार्ट की जो हमने कोर करंट निकाली थी, इसमें हम इलेक्ट्रोड निकालना है उसके करते हैं आपको। जैसे कि मैं पहले इसको मेजर करता हूँ, मेरे पार्ट की मेजरमेंट कितनी है, ऊपर पॉइंट्स या ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट से चेक करना सीखो। जैसे कि मैं इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ क्लिक करता हूँ और इस पे यहाँ क्लिक करता हूँ, तो इसका लेंथ 180 डिग्री आ गई है। यहाँ से डिस्टेंस का डिस्प्ले आप ऑन कर सकते हो, 215 mm का डिस्टेंस है। यदि मुझे मान लो ये पॉइंट से बाई पॉइंट से ये हाइट चेक करनी है, एक पॉइंट एंड दो पॉइंट डायगनल है, आप वेक्टर लेके आप इसको सीधा कर सकते हो, मेरी हाइट कितनी है, तो ये 22 mm आपको दिखाएगा। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो सिंपल भाषा में, जैसे मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी चाहिए तो डायगनल है 240, और वेक्टर पोजीशन आपको हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल शो करेगा, वहाँ से नहीं समझ पाए तो यहाँ से समझ। अब मुझे मान लो सपोज दैट इस हिस्से की इलेक्ट्रोड निकालनी है, इसमें एक बॉक्स क्रिएट करना है यहाँ पर, तो जो मोल्ड विजार्ड में बाउंडेड बॉडी यूज करते हैं ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, फर्स्ट फ्रॉम ये फेस, वो सिंगल ऑफसेट यहाँ से आपको बंद करना पड़ेगा और फिर कपाट कमांड रिपीट करनी पड़ेगी। सिंगल ऑफसेट मैंने बंद कर दिया है, मैं इस फेस पे गया, सेकंड इस फेस को मैंने क्लिक किया, फिर मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इस फेस पे ले सकता हूँ। ये मैं इनको मैन्युअली, जो ये कर्सर के पॉइंट्स बन रहे हैं, मैं इनको मैन्युअली भी ट्रैक करके रख सकता हूँ किसी भी। और जेड को भी मैं थोड़ी सी हाइट दे दूंगा, मेरी जेड की हाइट है। अब कौन सा ऑपरेशन करना है जो आप नॉर्मली यूज करते आए, होम में जाके आप इसको सब्सट्रैक्ट कराते हो, पहले जो आपके पास बॉडी है उसमें से जो टूल आपका ये है, आप इसको फ्री टूल रखना चाहते रख सकते हो या हटा सकते हो। फ्री टूल मैंने रखा, ओके किया, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, मेरे इलेक्ट्रोड बन के आ गए। मैं इसकी जो ट्रांसपेरेंट शेड है उसको मैं वापस जाके सही कर देते हैं, हम ट्रांसपेरेंट को जीरो कर देंगे, ओके कर देंगे, ये मेरे इलेक्ट्रोड बन गई है स्पेस की। आप अपना चाहते हो रख सकते हो, इसके 2 mm फेस को बढ़ा सकते हो ऑफसेट रीजन से, जो ये 4 कमांड है स्टूडियस मॉडलिंग, इसके फेस से आप इसको -2 mm या -5 mm आप कर सकते हो, -5 ज़्यादा हो जाएगी, -3 रख सकते हो, या जो भी आपको इसमें एडिटिंग करनी है कर सकते हो। इलेक्ट्रोड के इसके फेस को बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, ये आपकी इलेक्ट्रोड हो गई है, इस पर आपको स्केच करके इलेक्ट्रोड होल्डर बना सकते हो। -2 वैल्यू 0 और इसको 5 mm, ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया। इसके साथ में अटैच में अब इसको नेमिंग करना हो तो नेमिंग कर सकते हो, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ए टेक्स्ट में जाके आप यहाँ पर प्लानर है ऑन करो, ऑन फेस जो भी आप यूज करना चाहते हो ऑन करो ले सकते हो, ऑन फेस ले सकते हो, इस फेस पे गए सिलेक्शन करो, ये डाल दिया आपने, यहाँ पर जो नाम आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोड या फर्स्ट डाल सकते हो इलेक्ट्रोड 1, ओके कर सकते हो, इस नेमिंग को भी एक्सक्लूड कर सकते हो, जर्नल से इसको कैलेंडर डालने में यूज करते हो आप, 1 mm डेट के बाद इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, आपकी इलेक्ट्रोड होगी। ऐसे आप किसी में बना सकते हो, वैसे तो 2 इलेक्ट्रोड बनती है, एक रफिंग की एक फिनिशिंग की, आप बॉडी को यूनाइट कर सकते हो। अब आपको ये मशीनिंग करने पर पता चलेगा कि कितनी रफिंग होगी कितनी फिनिशिंग के लिए बची होगी।
ठीक है, तो स्केल बॉडी में जाके आप दो इलेक्ट्रोड इसी से कॉपी करा सकते हो कंट्रोल टी से, और जितना आपका टोल बीएमसी में गया है वो आप अंदाजा लगा के कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो कि मेरा रफिंग कितना हुआ है, इलेक्ट्रोड की कहाँ जरूरत पड़ेगी। मैं इसको क्लोज करता हूँ, स्टॉप।